अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान राजा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्विन सिटीज़ में होने वाले इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हम आप तक लेकर आते हैं, और इसी हवाले से आज का ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट इवेंट पर, और मेरा कैमरामैन जो है वो आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग सिटी बज़ विद कामरान राजा। स्टेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अब्दुलरहमान कांजू साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्रिकेट से कितना लगाव है, और बचपन में कितना क्रिकेट खेला, और अब कितना शौक रखते हैं आगे क्रिकेट खेलने का? यार, अब मैं, मेरी कोई लाइफ स्टोरी ऐसी है कि मुझे राजा कभी टाइम नहीं मिला स्पोर्ट्स के लिए, बट मैं आई वॉज मोर इन टू राइडिंग और चीज़ों में था। बट क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जो कौम को यूनाइट करती है, और आज के इस माहौल में इन सब के बीच में आने का मकसद ये था कि यार गैर सियासी भी हमें होना चाहिए, और ऐसे इवेंट्स को आई अप्रिशिएट। और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और आपकी तरफ से वेरी पॉजिटिव जी। यहाँ के आप आके इनके साथ सॉलिडेरिटी करनी थी कि ऐसी एक्टिविटीज़ आज लोगों को बिल्कुल इंटरटेनमेंट ना होने के बराबर है, तो इन लोगों की मेहरबानी, हम इनको इनक्रेज करेंगे जहाँ इनकी हेल्प चाहिए। इन लास्ट पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? हमें पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। खेल के मैदान आबाद होंगे तो हमारे जो हैं अस्पताल और बाकी जो आजकल मसले मसाइल जो आजकल माशरे में फैले हुए हैं, जो कि आपको और हम सबको पता है, तो उनको कर्टेल करने में आसानी। जी ना जी, मेरे साथ इसको मौजूद हैं जोया। जोया को भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। जोया, क्या कहना चाहेंगी, क्रिकेट लीग जो है वंस अगेन स्टार्ट हो रही है, और आप क्या समझती हैं कि क्रिकेट के हवाले से आपको बिल्कुल नहीं खेलती हैं? अच्छा, क्रिकेट देखने का भी शौक नहीं है? नहीं, द ओनली थिंग दैट अट्रैक्ट्स मी CPL का इज के सेलिब्रिटीज आर इन्वॉल्वड। ओके, सो दैट्स द थिंग। नाज़रीन, ये था इनका कहना, और सो जाती जाती प्यारा सा मैसेज दे। आई थिंक के हम सबको जो है वो स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स वन थिंग दैट आई नीड टू टेल एवरीवन। दूध हैं वन ऑफ द रिनाउंड सिंगर फलक शबीर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूंगा, और पहले तो मुझे बताएं क्रिकेट से आपको कितना शौक है, कितना लगाव है? क्रिकेट आपको पता, पाकिस्तानी के हर किसी पाकिस्तानी के ब्लड में रची बसी हुई है, सो हम भी उसी में से ही हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसका बचपन उसमें ना गुजरा हो। अच्छा फलक भी, क्या कहते हैं, मेड इन पाकिस्तान पे हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं? 100% करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो दो लाइनें गाना गुनगुना दे हमारे नाज़रीन के लिए जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं। तू मेरा दिल मेरी जान है, जान जहां तू मेरा मान है। क्या बात है जी, वैसे किसको डेडिकेट किया? अपनी वाइफ को। क्या बात है जी, चलें इसी तरह प्यार मोहब्बत चलता रहे, और बेस्ट विशेस फॉर यू। लास्ट में बीइंग अ पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, सो पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। सर, इसको शमूख, और शमूख को भी मैं अपना प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। शमूख, पहले तो मुझे अपने नाम का मतलब बताएं। मेरे नाम का है ब्यूटी ऑफ हाइट। ब्यूटी हो, हाइट। हाइट, क्या बात है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये K2 से भी हाई है या उससे थोड़ी कम? नहीं 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 नहीं, ये मेरी अपनी हाइट है बस। अच्छा चलिए, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आज की इस एक्टिविटी के हवाले से, क्रिकेट से आपको कितना लगाव है? क्रिकेट से तो मुझे बहुत लगाव है, लाइक हम लोग पहले भी इसी तरह की इवेंट्स कराते रहे हैं और क्रिकेट से बेसिस, तो इस क्रिकेट में नो मतलब इस बारे में मैं कह सकती हूँ, क्रिकेट में तो मेरा बड़ा दिलचस्प। क्रिकेट में ज़्यादा छक्के मारे हैं चौके मारे हैं? वो मैंने खुद नहीं मारे, बस लोगों के लिए शाउट किया है। ओके चल। क्रिकेट आप लोग खेलते हैं? बचपन में तो खेला था, चाइल्डहुड बट नॉट येट। ठीक है, और अभी तो देखते हैं, बड़ों को खिलाते हैं। अच्छा चले, अच्छा चले, मुझे ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज होती हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग लाइक इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, और ये करने चाहिए,
और ताकि इससे जो है इवेंट से जो है एटलीस्ट जो ब्लॉगर्स और ये सब लोगों का मीटअप्स बहुत मीट एंड ग्रीट स्पेशली। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स इस तरह के मीटअप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, हर कोई क्रिकेट के बारे में जानता है और स्पेशली क्योंकि सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग है तो सारे सेलिब्रिटीज़ इसमें खेल रहे होते हैं तो उनके साथ एक मीटअप होता है और वो उनके बारे में जानने को मिलता है कि कौन कितना इंटरेस्टेड है, इस बारे में भी पता चलता है। तो आई थिंक मैं खुद तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ैन नहीं हूँ क्रिकेट की, बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान का इट्स लाइक अ स्पोर्ट दैट पीपल लव अ लॉट। नाज़रीन, हम इसे गाना सुनते हैं जो ये अपने आप को डेडिकेट करें। दिल का छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, चांद तारों में जीने की आशा। चांद तारों में नाज़रीन, देखें नाज़रीन जो है ना वो चांद पे ज़मीन भी ख़रीदी जा रही है और अब ये भी उधर ही जा रही है। सो खैर रहनी हो, इनसे हम पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे, क्रिकेट लवर हैं या नहीं हैं? सर क्रिकेट लवर तो बिल्कुल नहीं, फुटबॉल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर सीरीज के वाले से बोलूँ बैठ के तो सही बात पीछे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए, वन वन इंटरेक्शन भी आपके साथ हो जाती है एक्ट्रेस और आपके एंकर साथ, हमें आइडिया हो जाता है कि किस लाइफ में सारे गुजरे हैं तो आवाम के लिए होना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मेरे हिसाब से। चलिए जी नाज़रीन, ये था इनका कहना, तो यहाँ पे मज़ीद हम और पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट जो है उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग सिटी बज़ विद कामरान राजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सलीम भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस और आप लोग ऑलरेडी जो है वो क्रिकेट लीग का हिस्सा रहे हैं? देखिए हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा ही हुआ है, जो पहली लीग थी CPL दानियाल ने वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ की थी और वो एक पहला प्लेटफॉर्म था इसको आगे ले जाने के लिए। अब मेरा ख्याल है कि ये बहुत उससे ज़्यादा बढ़ के एक इवेंट आ रहा है जिसका नाम है DCL, ठीक है, और ये इसके पीछे एक ही बंदा है वो दानियाल अरशद जो मेरे साथ खड़े हैं। सारी मेहनत इनकी है, सब कुछ इनका है और ये नहीं है कि सामने हैं, आप सब लोग जानते हैं और जितने लोग हम सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने लोग इनके साथ खेलते हैं, इन सबको पता है कि दानियाल की अलग मेहनत है। और उमर का, MB मलिक का बहुत शुक्रिया कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, हमेशा से क्रिकेट को ले कर चलते हैं साथ, और आज से नहीं, आप सब जानते हैं क्यों। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, जैसे सलीम भाई ने बोला दानियाल का बहुत बड़ा हाथ है, ये सारे देखें एक चीज़ सोचनी और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बात कह देनी बड़ी आसान है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाना सबसे मुश्किल है, इस बंदे में वो चीज़ है और इन्होंने करके दिखाया लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें भी और अब भी, और इंशाल्लाह ताला हमारी स्पोर्ट पहले भी शोबेस के साथ ही, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस दफ़ा जर्नलिस्ट जो आए हैं वो और जो पार्लियामेंटेरियंस आए हैं वो बड़ा खुशाइन है और इंशाल्लाह ताला हमारी सपोर्ट पहले भी है अब भी और इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलीम भाई का, सलीम भाई ऑल द वे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा बहुत अच्छी मतलब। और दूसरा मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा अबाउट मलिक साहब, MB स्पोर्ट्स, हमें स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमें एक्सेसरीज चाहिए होती हैं, वो हमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कि हम हर 6 मंथ बाद एक टूर्नामेंट लाइनअप कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सो मच, वो ऑल द वे हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं। एयर सियाल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमेशा हमारा एयर पार्टनर होता है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं ये हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और इस बार हम ये लीग T10 की फॉर्मेट में लॉन्च कर रहे हैं DCL, और जो हम नॉर्वे कर रहे हैं वो हम T20 करेंगे दोबारा CPL। तो थैंक यू सो मच गाइज, और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं एंड थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट मौजूद हैं और वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर कैसर भी मौजूद हैं और इनके साथ कोलीग भी मौजूद हैं, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सो क्या कहना चाहेंगे, पहले तो आप मुझे बताएं कैसा लगा? जी इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किया हुआ था एंड आई लव द सेटिंग एंड ऑल। ओके, सो कैसे देखती हैं जब इस तरह की क्रिकेट लीग्स शुरू होती हैं, क्रिकेट खुद भी खेलती हैं या खिलाती हैं? जी मैं बचपन में खेला करती थी क्रिकेट, अब बड़ों को खिलाती हैं। जी जी अच्छा, चले क्या कहना चाहेंगी क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट में इंटरेस्ट पहले तो नहीं था, अभी ये जब से लीग्स बनना शुरू हुई हैं तब से हो गया थोड़ा बहुत, एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम स्पेशली द इस्लामाबाद वन। तो आप यानी कि इस्लामाबाद को सपोर्ट करें? या डेफिनेटली, व्हाई नॉट।
इस्लाम आबादियन, तो हम आपको मिलेंगे उस मंच पे जहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड सजा होगा। सो मेरे ख्याल से अब हम कैसर को जो है वो पूछते हैं, कैसर से पूछते हैं कि कैसर जो है वो कितनी क्रिकेट खिला चुके हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को खिला चुके हैं, ठीक है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, इनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। और जब भी इनको याद करो कहते हैं यार बस आ जा यार, तू आ जा, तू छोड़ दे सारी चीज़ें। तो क्या कहना चाहोगे कैसर आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और जैसे कि आपको पता है इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बाय डी कॉन्सेप्ट एंड और जिसकी मार्केटिंग है वो ट्रायंगल मीडिया देख रहे हैं, और हम इस तरह की लीग्स इंटरटेनमेंट लेकर आते रहते हैं। लास्ट टाइम भी हमने CPL किया था। बेसिकली जो इंटरटेनमेंट की एक इंडस्ट्री है उसको हमने कोलैब किया है क्रिकेट इंडस्ट्री के साथ। इसके अंदर आप सेलिब्रिटीज़ देखेंगे, पार्लियामेंटेरियंस देखेंगे, एंकरपर्स देखेंगे, तो एक अच्छा है। जो आप TV पे देखते हैं एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे होते हैं, वो ग्राउंड के अंदर एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे शायकीन हैं उनके लिए एक अच्छी इंटरटेनमेंट है। कोरोना के बाद आपको पता एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं हुई।